हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग, ठीक है, कल हम लोग ने मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किया है जो कि क्वेश्चन नंबर 12-13 तक हम लोग ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 तक किया था। ठीक है, तो अभी हम लोग मान लें क्वेश्चन नंबर 14 में जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, ठीक है, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, और इसके बेस में क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो इसमें क्या है मालूम है? इसमें पहली बात तो जो लॉग के ऊपर है ये क्या होना चाहिए? ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पहली बात पॉजिटिव होना है। ठीक है, उसके बाद मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वन ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस वन ये मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। और यहां पे तीसरा कंडीशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वन ये वन नहीं होना चाहिए। ठीक है, वन नहीं होना चाहिए। अब यहां पे अगर आप देखोगे इसको तो आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? एक्स ग्रेटर देन माइनस वन। ठीक है, उसके बाद इसमें ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये तो पहली बात, मतलब ये ऐसा हो गया, मतलब ए वन वन होना चाहिए या तो वन से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सारे रियल्स आ गए इसमें। ठीक है, तो इट इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसमें अगर मैं कुछ भी डालू तो ये वन से वन रहेगा या तो वन से बड़ा होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? ये एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया, एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, अभी यहां पे देखो तीसरा कंडीशन क्या दिया? एंड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन इज नॉट इक्वल टू वन, तो ये क्या हो गया? इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यहां पे लेकर गए तो एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अभी ये जो हम लोग को मिला है इन तीनों का क्या ले लेंगे हम लोग? इंटरसेक्शन ले लेंगे, इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो क्या होगा? ये क्या है? माइनस वन से बड़ा, सारे रियल वैल्यूज। ठीक है, और वन नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? इट विल बी माइनस वन से इंफिनिटी, ठीक है, माइनस जीरो। तो ये इसका डोमेन है, दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा करना है, इंटर इन तीनों का अलग अलग जो भी कंडीशन लगाना है उसके बाद तीनों का इंटरसेक्शन लेकर हम लोग को ये मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।